गुड मॉर्निंग क्लास. माई सेल्फ पूजा कुशवाहा एंड आई एम योर साइंस टीचर. लेट स्टार्ट आवर टूडेज वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक. वी आर डूइंग लेसन 3. फाइबर टू फैब्रिक. ओके, वी हैव डन टू टॉपिक्स अर्लियर. फर्स्ट वन इज द variety of fabrics, then fiber and some plants fiber. Okay, in some plants fiber we have done cotton and jute. You know that the names of the natural fibers, that is cotton, wool, silk, wool, jute, hemp, etc. Same as in synthetic fibers, polyester, nylon, acrylic, rayon, spandex, etc. I have given you the homework, that is you have to find out the source of hemp. Source of hemp. So the source of hemp is hemp plant, or you can say cannabis sativa. Okay, this is the botanical name of the plant of hemp plant. From the hemp plant we get the hemp, that is very strong fiber. It is just like the jute plant, same as the jute plant that we have read earlier. Okay, today we will do our next topic, that is spinning cotton yarn. You all have this type of cotton at your home. You can take some amount of cotton from it. Okay, you can take some amount of cotton from it. You can see the cotton fibers here, smallest fibers. It is very clearly visible. I hope you all are seeing at least all the fibers, hai na? Okay, the process of making yarn, the process, this thing is for your understanding. There is no need to write anything in the lesson 3 in your fair copy. Abhi aapko fair copy mein lesson 3 ka kuch bhi nahi likhna hai. I will tell you when you have to write. Main aapko bataungi jab aapko likhna hoga. Okay, so the process of making yarn, the process of making yarn from fibers is called spinning. Okay, let's do the spinning. थोड़ी सी रुई आपको ऐसे हाथ में लेनी है, पिंच ऑफ कॉटन, और आपको थंब और फोर फिंगर के बीच में ऐसे रख कर, और ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे भी आपको सूटेबल पड़े. आई एम ट्राइंग टू मेक अ यार्न सो दैट आई कैन शो यू. जैसे ये एक दिया में डालने के लिए बाती बनाई जाती है, मम्मी लोग घर में पूजा के लिए भी यूज करती हैं, तो ये एक यान है. इट्स अ रफ यान जो कि मैंने हाथ से बनाया है, मोटा, बट थ्रू द मशीन वी कैन मेक इट फाइनर और थिनर फॉर द गुड फैब्रिक. ओके, तो जब हम ये बन गया है, अभी आपको ये नहीं लग रहा है कि कॉटन से बना है, कॉटन की रुई से बना. अब हम अगर इसको एक तरफ से पकड़ के खींचेंगे तो आपको इसमें से फाइबर्स दिखने लगेंगे. दिख रहे हैं? इस तरह आपके हर क्लोथ्स क्या होते हैं, बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर. ऐसे मशीन्स के थ्रू ये छोटे से धागे ऐसे बने होते हैं. आप धागे में भी फाइबर्स को देख सकते हैं. सिलाई करने वाला अगर धागा हो तो उसमें भी आप फाइबर्स को देख सकते हैं. ओके, so the process of making yarn from fiber is called spinning. क्यों spinning बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे
स्पिन करके किया जाता है, ऐसे गोल गोल घुमा के, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. वी ट्विस्टेड लाइक दिस, ओके, ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टूगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इससे सारे फाइबर्स क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं और क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल. हैंड स्पिंडल्स के थ्रू भी किया जाता था, हाथ के बनाया जाता था, और हाथ से जो स्पिंडल यूज करते थे इट इज कॉल्ड टकली. इसे क्या बोलते थे, टकली, दूसरे से यूज करते थे. एंड आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द चरखा ऑल्सो. यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो आपको ये मालूम ही होगा. एंड ये भी मालूम होगा, ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोज मेड ऑफ होम स्पन यान टर्न एज खादी. इट इज वेल नोन नेम फॉर यू ऑल. एंड शन इम्पॉर्टेंट क्लोज मेक ऑफ मिल्स इन ब्रिटेन. और मना कर दिया था कि ब्रिटेन के उसमें बने हुए कपड़े नहीं पहनने, बल्कि यहाँ पे बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए कपड़े पहनने हैं. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, ताकि यहाँ के लोग परमिशन बनाया ताकि यहाँ के लोग खादी यूज कर सके, लीगलाइज कर सके उसको. और स्पिनिंग ऑफ यान ऑन अ लार्ज स्केल डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. आफ्टर स्पिनिंग यान आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ओके, आई वॉन्ट टू शो यू द तकली. तकली लाइक दिस. ओके, दिस इज द फिगर ऑफ तकली. दिस फिगर यू हैव टू ड्रॉ एज योर होमवर्क इन लेसन 3 ऑल्सो. ओके, बट नॉट नाउ, आई विल गिव यू होमवर्क लेटर. ओके, दिस इज तकली. हियर देयर इज अ स्मॉल होल. फ्रॉम दिस होल वी यूज टू पुट द कॉटन एंड राउंड 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 मेक इट ट्विस्टेड, देन यार्न इज फॉर्म्ड. ओके, सो वी नो दैट फाइबर is used to make a yarn, then used to make a fabric. If we want to make a chart, we can say that fiber is the unit of fabric, then it converted into yarn, and yarns make a fabric, and fabrics make the clothes. So this is the process: fiber, then yarn, then fabric, and then clothes. Okay, this is the process. So this is our we have done it now. Your homework is to make this type of handmade yarn. Use some cotton and make this type of yarn. You can take this as you at your hand and click a picture and send to me, so I can know that you are doing homework well. Some of you are taking so much of interest in the class, but some of you are not taking interest in the class. You are coming just to give the attendance only. This is not good, beta. Please, we teachers are doing for you all. So please cooperate us and start studying. It is for your welfare. It is for your future. Okay. Thank you for watching, class. See you tomorrow. Thank you for watching. Okay.